हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं अपने डोमेन के साथ, डोमेन नेम के साथ। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, ईमेल के सेक्शन में जाएंगे और वो कहाँ है ये रहा, ठीक है। और ईमेल अकाउंट्स पे जाएंगे। अब यहाँ मेरे काफ़ी सारे ईमेल आ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। तो यानी कि आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारे आ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा किस पे, क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं अपना जो डोमेन होगा जिस पे मैंने ईमेल क्रिएट करना है, ईमेल अकाउंट, वो सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे उसका यूज़र नेम, जैसे लेट सपोज एडमिन मेरा यूज़र नेम है, एडमिन एट द रेट ऑफ द कोड स्क्रिप्ट डॉट एक्स वाई जी। उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे जो हमें रखना है, ठीक है। ठीक है, पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे एडिट सेट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कोटा जो है कितना, या मुझे मैक्सिमम ये 15 GB दे रहा है कि भाई 15 GB तक आप क्रिएट कर सकते हो, बट मुझे इतना ज़रूरत नहीं है। मैं इसको 500 MB कर देता हूँ मैक्सिमम, दैट्स इट, ठीक है। और ऑटोमेटिकली क्रिएट अ फोल्डर, ठीक है। और बाकी ऐसा जो है उनको जैसा है रहने दें, और ये क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक ईमेल क्रिएट हो गया, ये आ रहा है आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो कोई ईमेल ऐसा चाबी नहीं होगी, ये शायद वेलकम ईमेल में भी हो। अब ये डिफरेंट ईमेल के जो है होर्ड है, राउंड क्यूब है, मैं राउंड क्यूब ही यूज़ कर लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ आप देख सकते हो एक ईमेल मुझे आई हुई है कि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की, ठीक है। अगर आप किसी के साथ इसको जीमेल के साथ कॉन्फ़िगर करना है, किसी और लाइक आउटलुक के साथ करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हम इसी को यूज़ करते हैं। और मैं आपको फिर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ईमेल कॉन्फ़िगर करना भी बता दूंगा। बहरहाल अभी खैर ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी थीम, हमने इंस्टॉल करनी थी वर्डप्रेस पे, तो मैं वो करूँगा। थैंक यू सो मच।